मैं श्रीराम 252 की खेती किया है आपकी, और इसमें जो है बाली हमारी बड़ी बड़ी आई है। दाने इसमें लगभग लगभग 70 से 80 हैं, उसमें जो है मुश्किल है 35 से 40 होंगे। तो जो 252 है बहुत अच्छा खेत है, और एक लेबल जैसा है, पूरा खेत हमारा एक जैसा है। और बगल में कहीं छोटा कहीं बड़ा अजीब लगता है, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और पैदाइश में भी हमारा ये ज़्यादा लगेगा, उसमें इतना नहीं लगेगा। और कम से कम मान के चलो अगर इतना खेत हम लगाए हैं 2-3 एकड़ है, तो 6-7-8 हज़ार रुपये हमारा मुनाफा होगा ज़्यादा। गेहूँ 5 श्री राम कंपनी का गेहूँ है, 252 नंबर गेहूँ है, और गेहूँ की बाली में करीब 60-65 दाने से कम नहीं है, और छुआ भी इसका 11-12 एक दाने में देता है। पैदा एक एकड़ में कम से कम 26-27 कुंटल गेहूँ की पैदावार है इसकी। मैं इस बार सुपर श्रीराम सुपर 252 वैरायटी का गेहूँ अपने खेत में बोया हूँ। इसलिए आप देखिए ये बाली, इसकी लंबाई कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर की है, और इसमें दाने 70 से 75 और 8 से 10 कल्ले इसमें निकलते हैं। इसकी उपज जो है इतनी अच्छी संभावना हमें लग रही है कि कम से कम प्रति एकड़ 22 से 24 कुंटल प्रति एकड़ इसमें उपज होनी चाहिए। तो समझे मेरे भाई, और बहुत ही बढ़िया गेहूं हमारा है, जिस गेहूं में कल्ले की संख्या बहुत ही ज्यादा है, और एक गेहूं में बाल में कम से कम 70 से 75 दाने है। इसमें श्रीराम 303 जो गेहूँ है, प्रति एकड़ कम से कम 20 से 22 कुंटल गेहूँ आएगा। इसमें कि इसमें 5 से 6 हज़ार रुपया हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा। श्रीराम गेहूँ 303 2 एकड़ में लगाए हैं। खासियत है श्री गेहूँ में कल्ले का संख्या 9 से 10 तरीका आ जाता है। कल्ली का संख्या जो है 10 से 12 सेंटी में है, इसका दाना जो है 60 से 62 में आता है। इसका अनुभव हम सब लोग लगाते हैं, 1 एकड़ में 18 से 20 कुंटल आ सकता है। लगाए हैं उसका अनुभव है, हम सब लोग को आता है 15 से 16 कुंटल आ जाता है। भाई साहब, मैंने ये श्रीराम कंपनी का 272 बीज लिया था। पिछले साल मैंने इसका 1 किलो लगाया था, और अब की बार मैंने इसके 10 किलो लगा रखे हैं। इसकी 70 से 75 दाने की एवरेज है एक बाली के अंदर, और ये ना गिरता है ना इसके अंदर पीला रतुआ अंदर। पिछले साल भी बहुत बढ़िया पैदावार थी इसकी, अब की बार लगा रखा है। इसमें कोई बीमारी नहीं आती, पीला रतुआ नहीं आता, और इसकी बालों में 70-75 दाने निकलते हैं, और ये गिरती भी नहीं है। बहुत बढ़िया पैदावार है इसे। श्रीराम सुपर 272 का चुनाव किया है, इसका फुटाव बहुत ही शानदार है, और यह ना ही गिरती है और ना ही इसमें कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी आती है, और इसकी पैदावार 2 क्विंटल प्रति एकड़ ज़्यादा होने की संभावना है, और इसका लाभ मुझे 3800 से 2 ज़्यादा आएगा। मैं योगेंद्र कुमार टेकाम, ग्राम पंचायत मायावाड़ी, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने अपने खेत में ये मही को गोल का दाना इस वर्ष लगाया हूँ, जो अन्य गेहूं की अपेक्षा मुझे पसंद आया, और इसकी बाली लंबी भी है, और इसमें पूरे दाने ऊपर तक भरे हुए हैं। इसकी हाइट भी अच्छी है, जिससे हवा धुंध में ये अभी तक तो गिरा नहीं है, और ऐसी उम्मीद है कि गिरेगा भी नहीं पकने तक, और एवरेज भी मुझे अन्य गेहूं की अपेक्षा अच्छा मिलेगा, ऐसी संभावना है।